नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज में। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति 14 की शुरुआत 7 अगस्त को हुई थी। शो के पिछले सभी सीजन की तरह इसे भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है। शो में शुक्रवार को हॉट सीट पर पहुंची गुजरात की रहने वाली रिचा पुवार। 47 वर्षीय रुचा होम मेकर है और अपने गाँव से हॉट सीट पर पहुँचने वाली पहली शख्स है। शो में रिचा ट्रेडिशनल आउटफिट में दिखी, यहां से वो 6,40,000 रुपये जीत कर गई। उनसे 12,50,000 रुपये के लिए जो सवाल पूछा गया था उसका वो सही जवाब नहीं जानती थी, जिसके चलते उन्होंने शो क्विट करने का फैसला किया। चलिए देखते हैं क्या था वो सवाल जिसे रिचा ने छोड़ा शो। इनमें से क्या वाल्मीकि रामायण के एक काव्य का नाम नहीं है? इस सवाल के लिए चार ऑप्शंस थे, सुंदर काव्य, वनवास काव्य, युद्ध काव्य या किष्किंधा काव्य। रिचा इस सवाल का सही जवाब नहीं जानती थी और वो जीती हुई धनराशि को खोना भी नहीं चाहती थी, जिसके चलते उन्होंने शो छोड़ने का फैसला किया। वो शो से 6,40,000 रुपए जीत कर घर गई। मालूम हो कि इस सवाल का सही जवाब है बी, वनवास काव्य। बता दें, रिचा शो में अपने भाई और पति को साथ लेकर आई थी। इस बार वो हॉट सीट तक पहुँचने में सफल रही। उन्होंने बताया कि साल 2013 में भी उन्होंने शो के लिए ऑडिशन दिया था। दोस्तों, रुचा पुवार के लिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। दोस्तों, और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।